वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोला है, यूज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके हमें क्या करनी है, इनवर्स फाइंड करनी है। ये मैट्रिक्स है, तो इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, ए इक्वल्स टू में आई ए। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इक्वल लेट करेंगे। ये कर लिया भाई, एक इक्वल लेट। अब इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, ये आ गया ए 2111 इक्वल्स टू में आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की है क्योंकि यहाँ पे भी 2x2 है, और ए को एच डी जीरो को भाई। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या होता है, हमें जो ए होता है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन देखो, आप कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हो जो आपको इजी लगे। मैं यहाँ पे आपको इजी से इजी करवाऊंगा वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आपको और कोई इजी लगता है तो आप वो लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आर वन पे ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, आर वन माइनस का आर टू। आर वन ये रो वन है, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। ठीक है, तो आर वन माइनस का आर टू, टू माइनस का वन क्या जाएगा, वन, वन माइनस का वन जीरो, आर टू एज इट इज। पहले आप चाहे तो R जहाँ पे ऑपरेशन लग रहा ना उसको छोड़ दो और दूसरे वालों को एज इट इज लिख लो। अब R1 पे यहाँ पे ऑपरेशन है तो R2 को मैं एज इट इज लिख लूँ, ए साथ में है ही। अब R1 पे क्या ऑपरेशन, R1 माइनस का R2, 1 माइनस का 0, 1, 0 माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है, अभी भी नहीं है, बनी है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो फिर से ऑपरेशन लगा देते हैं भाई इस पे। अब ऑपरेशन क्या लगाएं, देखो यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 1 बन गया, अब हम यहाँ पे 0 चाहिए है बस। तो 0 कैसे बनेगा, वन में से वन को सब्ट्रैक्ट करूं मैं तो जीरो बन जाएगा, यहाँ पे वन में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऑपरेशन लगा दूंगा आर टू पे, क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, आर टू माइनस का आर वन। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, आर टू माइनस का आर वन, आर टू पे ऑपरेशन है तो आर वन एज इट इज, वन माइनस का वन जीरो, यहाँ पे वन माइनस का जीरो वन, ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस साइड भी ऑपरेशन लगा है भाई, तो देखो आर टू पे लगा है तो आर वन को एज इट इज रखो। R2 पे क्या लिखा है, 0 माइनस का 1, यानी कि R2 माइनस का R1 माइनस का 1, R2 माइनस का R1 1, माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 2। अब जो ये हमारे पास आता है वो क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे बनने के बाद जो इस साइड ये आता है, ये क्या है हमारे पास, इनवर्स है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू में 1 माइनस 1 माइनस 1 2। ठीक है भाई, तो ये हो गया आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।